दोस्तों, आई होप अपन लाइव आ चुके होंगे। हेलो आई होप अपन लाइव आ चुके हैं। अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अपन जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आरपीएससी एएन का जो पेपर है, अभी जो आरपीएससी एएन का भी पेपर हुआ है, हाल फिलहाल आरपीएससी एएन का जो आज की डेट में हुआ था पेपर, 16 दिसंबर 2018 में। तो इसका आज अपन पेपर स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिनरी का पेपर 2, जो कि अभी 2 बजे से 4 बजे के बीच में था। ओके फ्रेंड्स, मैक्सिमम मार्क्स 200 थे इसमें, नेगेटिव मार्क्स 1/3 थे। आई होप आपने ये सब पता होगा आपको पहले से ही। मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा, सारे स्टूडेंट्स एक बार लाइव आ जाएं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके फ्रेंड्स, अभी तक 12 स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, तो उनका पेपर कैसा हुआ है आप हमें बता सकते हैं कमेंट के जरिए। आपका आज का पेपर कैसा हुआ है पहले ये सबसे बता दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके, देखते हैं कैसा हुआ, कितने के स्टूडेंट आ गए हैं अभी तक लाइव। 12 स्टूडेंट्स लाइव दिखा रहा है शायद इसमें अभी। तो पेपर जो मैं बताता हूँ, पेपर लेवल कैसा रहा था इस क्वेश्चन का। 13 स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, तो किसी को कोई डाउट हो अभी कैसा पेपर रहा था आप मेरे को बताइए जल्दी से कमेंट के जरिए, फिर मैं पेपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। 13 स्टूडेंट लाइव हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी का अभी तक टॉप 15 कॉमेंट। हेलो सर, साथ में आंसर की भी बता देना। हाँ, ज़रूर बताएंगे, आंसर की भी बताएंगे। रजत जी, आंसर की भी हम साथ साथ में ही बताते चलेंगे, पर एक बार थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाएं जल्दी से। आप इसको लिंक को फॉरवर्ड करिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को बताइए एक बार जल्दी सी। अंकित तिवारी जी, सो इजी पेपर। हाँ, बहुत ही इजी पेपर आया था, जैसे कि अंकित तिवारी जी ने कहा है, बहुत ईजी पेपर था। ईजीली स्टूडेंट्स स्कोर, मतलब अटैम्प्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ईजीली 80+ अटैम्प्ट कर सकते थे। मैंने ये नहीं बोल रहा कि 80+ एकदम सही से अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन जहाँ तक अगर अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो अटेम्प्ट 80+ अगर जिन्होंने किया है वो अच्छा अटेम्प्ट है। सिविल पेपर मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट तो हाँ, मॉडरेट मतलब ईजी कह सकते हैं, थोड़ा लो, बिलो मॉडरेट बोल सकते हैं। जीके टफ, वेरी वेरी, बहुत ही टफ आई है जीके। जैसे कि आरएस जो लेवल रहता है ना जीके का फ्रेंड्स, उस लेवल की जीके थी। जो स्टूडेंट्स ने होप लगा रखा था कि राजस्थान जीके ही आएगी, आसान लेवल की जीके होगी, या फिर थोड़े से करंट आएंगे राजस्थान जीके से, तो जो करंट भी आया ना, वो इंडियन का, जो इंडिया लेवल का जो करंट आया, वो भी अच्छा खासा लेवल का था। जीके का थोड़ा टफ लगा। हाँ, बहुत टफ था, थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ था। माई गैस 130 कट ऑफ मार्क्स। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जाएगी चंद्र प्रकाश जी, 130 मार्क्स थोड़ी आपने ज़्यादा बता दी कट ऑफ। ऐसा है कि मैं भी कट ऑफ बोल नहीं सकता कि 130 जाएगी या नहीं जाएगी, ये मैं भी नहीं बता सकता। राजस्थान जीके बहुत कम आए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना बताइए, फिर भी आप अपना बता सकते हैं एक बार कि 130 मार्क्स तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कट ऑफ। क्यों ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स? क्योंकि 42,000 फॉर्म थे ऑल ऑल ओवर द राजस्थान से। 42,000 के फॉर्म, 42,000 फॉर्म्स थे, जिसमें मैंने जो देखा कि 1/4 स्टूडेंट्स बैठे ही नहीं पेपर के अंदर, यानी कि ऑन एन एवरेज 1/4 स्टूडेंट बैठे नहीं, यानी 30,000 के आसपास, लमसम बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, 30,000 के आसपास बंदे बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, ये जो बता रहे हैं अंकित तिवारी जी, 100 के अराउंड जाएगी। हाँ एग्जैक्ट है, 100 के अराउंड जाएगी ईजिली, क्योंकि 30,000 बैठे थे जिसमें से 15,000 सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स को, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 130 चली जाएगी, जहाँ 74,000 गई थी पिछले साल। मैं मानता हूँ कि इस साल का जो रहा, थोड़ी सी एक सेकेंड, इस साल का जो रहा था कि पेपर पिछली साल के कंपैरिजन में जो रहा इस साल के, भाई बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, तो ऐसा है नहीं ज़्यादा बच्चे बैठे नहीं, 30,000 बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, अपीयर हुए हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रहा कि बैठे ही हैं। ओके, तो उसमें से जो पढ़ने वाले हैं, मेरे को लगता नहीं 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी करके एक्चुअलिटी में देकर आए होंगे इस पेपर को। ओके फ्रेंड्स, तो उनमें से अगर मैं देखता हूँ, तो 15,000 जब बच्चों को लेते हैं, तो 10-100 जाए नहीं, मेरे हिसाब से अराउंड 100 के आसपास जा सकती है कट ऑफ। ओके, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं,
हंड्रेड टू मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूँ तो 130 आप बोल सकते हैं मैक्सिमम। ओके ओके इन्होंने चंद्र प्रकाश जी, सो एज पर ईजी अटैम्प्ट ऑलमोस्ट 70%। हाँ सही बात कर रहे हैं, 70% अटैम्प्ट कर चुके हैं, बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे चंद्र प्रकाश। सो 30,000 लोग प्रेजेंट रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ, 30,000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, टोटल 12,000 कैंडिडेट लेने हैं सिविल में। हाँ हो सकता है, हाँ मैं वैसे ओवरऑल ओवरऑल तो बात कर रहा था, इसमें से 12,000 हाँ ले सकते हैं सिविल में, यही रहेगा। तो इतने बच्चे जब 30 में से 12,000 आप बात करते हैं तो बहुत ही कम हो जाती है कट ऑफ। ओके आप मान सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, तो अराउंड 100 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जैसे जैसे बच्चों का अराउंड 1,000 स्टूडेंट्स का जब मेरे पास में आ जाएगा एनालिसिस के भी इस वीडियो के बाद में कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं या फिर इतने नहीं बन रहे हैं, तो उसके बाद में मैं बता पाऊँगा आपको, एक वीडियो बनाऊँगा मैं स्पेशली फॉर कट ऑफ, उसके मैं अंदर मैं पर्टिकुलर हर पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया से एक मतलब कि उसको कंसिडर करते हुए पिछले साल का कितना रेट ऑफ ग्रोथ हो चुका है स्टडी लेवल में स्टूडेंट्स की, काफ़ी ज़्यादा लेवल 5 साल में बढ़ा है। ओके ये आपको भी जान मैं आप भी जानते मैं भी जानता हूँ। आई माय मार्क्स इन जीके इज 52, वो 52 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्कोर अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि जैसे कि आपको बता दूँ आरएएस लेवल का पेपर था तो जनरल की कट ऑफ 75 नंबर गई थी 200 में से, तो अगर 52 भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया है आरएएस लेवल के हिसाब से, मैं ये बात मानता हूँ चंद्र प्रकाश जी। ये अरुण कुमार बोल रहे हैं, हमारे रूम में 24 में से ओनली 11 प्रेजेंट थे सर, 24 में से 11 ही प्रेजेंट थे ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गए, मतलब 30,000 से भी कम जा सकते हैं। एससी की कट ऑफ अगेन जीरो जाएगी, ऐसा नहीं है जीरो नहीं जाएगी, क्योंकि 3,000 के आसपास फॉरम आए थे, अब देखते हैं 1,200 उसमें से 1,200-1,300 के आसपास उनमें से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, तो आई होप 31,000 में से मेरे हिसाब से 2,000 या 2,500 के आसपास बच्चे भी अगर बैठेंगे तो जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन 40-50 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। ओके ओके मैं 40 मार्क्स एवरेज, हाँ ओके फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेक्निकल मार्क्स वेटिंग फॉर योर आंसर की, हाँ हाँ जल्द ही स्टार्ट करते हैं अभी। मिनिमम जी के 62 नेगेटिव मार्क्स कितने होगी, 1/3 है इसमें नेगेटिव सोलंकी जी, 1/3 नेगेटिव है, यानी कि 2 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो नेगेटिव हो गई 0.66 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स 0.66 मार्क्स आपका इसमें नेगेटिव हो जाएगा। माय मार्क्स इन जीके 62, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है 62 तो मेरे हिसाब से जिस लेवल का पेपर आया था। सर कट ऑफ बता दो अप्रॉक्स, अप्रॉक्स कट ऑफ मैं बता देता हूँ, तो जनरल की अगर अप्रॉक्स कट ऑफ की बात करता हूँ तो 100 से आप मान सकते हो अराउंड, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, प्लस माइनस 20 बोल दीजिए, 100 प्लस माइनस 20, माइनस भी जा सकती है 20 में और प्लस भी जा सकती है 20 में। ओके फ्रेंड्स क्योंकि जीके का तो हार्ड था पेपर लेकिन अपना जो टेक्निकल पेपर था ना वो थोड़ा इजी था, इस कारण बोल रहा हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स सर कट ऑफ बता दो अप्रॉक्स, बता दी मैंने, और भी ओबीसी की, तो ओबीसी की भी यार अप्रॉक्स इसी के आसपास ही जाएगी, ज़्यादा ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो 80-90 मान लो, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। सो कट ऑफ हाँ कह सकते हैं। प्रदीप कुमार बोलते हैं 43, किस चीज़ क्या है 43 नंबर, प्रदीप जी 43 है क्या चीज़, चलो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, आई होप अभी तक जुड़ चुके हैं, 60 के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके शायद ऊपर नीचे हो सकता है तो आप इसी हिसाब से मैच करते हुए चलिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा जो टिक लगे हुए सारे क्वेश्चन सही हैं, मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स तो इसमें अपन देखते हैं कौन से क्वेश्चन सही हैं। इसमें एप्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एज्यूम द शेप ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जितना मेरे को लगता है इसका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही है, और अगर किसी को दूसरा लगता है तो वो मेरे को डिस्कशन कर सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन इज, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए भी डाउटफुल रहा है। ओके लेकिन जितना मेरे को अंदाजा है इसमें लॉन्ग लाइन मेथड होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन इज, इसका जो सही आंसर है वो क्या आपको लगता है, जल्दी से मेरे को इसमें कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि जब 6 स्टूडेंट्स आपस में कमेंट करेंगे तभी बता पाएंगे। अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ड्रेन विच इज़ प्रोवाइडेड पैरेलल टू रोडवे टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम हिल स्लोप,
तो इसमें जो ऑप्शंस आपके पास में हैं, इसमें जो एकदम ही इसमें आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं, स्लोपिंग ड्रेन्स हो नहीं सकता, क्रॉस ड्रेन्स हो नहीं सकता, तो आपके पास में ऑप्शंस बचते हैं थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दो में से ही आंसर है। लेकिन जैसे कि आपको यहाँ पर बोला गया है ड्रेन्स, पूछा गया आपसे ड्रेन्स किसके यहाँ पूछा गया है, रोडवेज में। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो इसका जहाँ तक अंदाजा है थर्ड ऑप्शन का, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्योंकि कैचमेंट ड्रेन्स जो होती है, बोल सकते हैं कि हिली एरिया में कैचमेंट ड्रेन्स, प्रॉपर हिली एरिया के अंदर कैचमेंट ड्रेन्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ये रोड की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो रोड की बात कर रहा था, रोड के जो साइड में जो अपन ड्रेन्स प्रोवाइड करवाते हैं नॉर्मली, वो साइड ड्रेन्स होती हैं। ओके फ्रेंड्स, हालांकि सेकेंड एंड थर्ड में दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन बेस्ट जो इसमें से बनता है वो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर अपन फोर्थ की तरफ चलते हैं, द ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वेयर। तो ट्रैफिक रोटरी कब अपन जस्टिफाई करते हैं, तो इसमें ऑप्शंस आपके पास में काफ़ी सारे हैं, तो इसमें थोड़ा ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलता फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन भी इसका सही हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन भी इसका सही हो सकता है। ओके, या फिर देख लीजिएगा आप, है ना, इसका मेरे को एक क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं, कंटूर लाइन कैन यूनिट ओनली इन वन कंडीशन दैट। इसका जो करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली 100% करेक्ट है, वर्टिकल क्लिफ। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, टैकोमीटर इज अडॉप्टेड वेयर। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो चंद्र प्रकाश जी बोलते हैं 500 व्हीकल पर आवर। हाँ, जहाँ तक मेरे को लगता है ये भी हो सकता है, इसका ऑप्शन फोर भी सही है, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर फोर भी सही हो सकता है, क्योंकि ये सही लगता है मेरे को भी, है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव, अभी मैं फोर्थ में कंफ्यूजिंग हूँ, जो भी जिसमें मैं कंफ्यूजिंग हूँ मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूंगा एग्जैक्टली कौन सा सही है। फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है फ्रेंड्स। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, टैकोमीटर इज अडोप्टेड वेयर। कब अडोप्टेड करते हैं टैकोमीटर, अपन अडोप्ट करते हैं ऑप्शन नंबर टू, यानी कि ऑब्स्टेकल्स अंडुलेशन एग्जिस्ट, जहाँ पर ऑब्स्टेकल या फिर अंडुलेशन आते हैं वहाँ पर अपन करते हैं टैकोमीटर का यूज़। 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका रेनफॉल डिफिशियंसी ऑफ 30%, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यानी कि 100 माइनस अगर आप 70 कर देते हैं 30 आ जाएगा निकल के, यानी कि वेटनेस आपका कितना वेटनेस है 70% है, तो डिफिशियंसी कितनी होगी 30%, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। मैथमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ये नाइट्रेट्स के कारण होती है फ्रेंड्स, ये एकदम करेक्ट है। जब अपने पास में लिमिट होती है नाइट्रेट की, वो होती है 45 mg/L होती है, इससे जब अगर बढ़ जाती है तो बड़ों में तो ज़्यादा दिखती नहीं है, लेकिन जो छोटे इन्फेंट बेबीज़ होती हैं उनके अंदर ये डिजीज़, क्योंकि जो नाइट्रेट होती है नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर के ये जो हेमोग्लोबिन होती है ब्लड के अंदर उसके साथ में कंबाइन होकर के एक डिजीज़ क्रिएट करती है, जिसका नाम होता है मेटामोग्लोबिनीमिया, जिसे अपन ब्लू बेबी डिजीज़ बोलते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। काफ़ी सारे इसमें आ गए हैं, टैकोमेट्री, ऑब्स्टकल्स, ब्लू बेबी, नाइट्रेट्स, हाँ सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, लैकोस्ट्राइन सॉइल आर ऑप्टेंड फ्रॉम। लैकोस्ट्राइन सॉइल वही होती है जो लैक के बेड में पाई जाती है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आप भी साथ साथ में बताते जाइए कि किस किस के क्वेश्चन कौन कौन से सही होते जा रहे हैं, इससे क्या आपको भी पता चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ देखते हैं, प्रिज्मेटिक मेंबर विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड पी, देन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द डायरेक्शन ऑफ लोड प्रेजेंट आर। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस है जो मैक्सिमम, यानी कि एक आपके देखिए इसमें आपको दे क्या रखा है, टेंसाइल लोड दे रखा है, यानी ये क्या कैसा एक प्रिंसिपल लोड है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो 45 डिग्री एंगल पे होता है, ये तो आपको सबको पता होगा, तो 60 तो हो ही नहीं सकता। अब अपन लोड की बात करते हैं, तो लोड का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टो मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, तो टो मैक्सिमम टो मैक्स का स्क्वायर होता है, तो टो नहीं दे रखा, सिग्मा 2 नहीं दे रखा, तो आपके पास में बचता है सिग्मा 1। तो इसका आप अगर देखेंगे टो मैक्सिमम आपके पास में निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब सिग्मा 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा 1 आपके पास में कितना है, पी अपॉन 2a का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपके पास में निकल के आ जाएगा पी अपॉन 2a। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, टेंथ नंबर का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, फटिक इज द करेक्ट आंसर। द बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड, इसमें आपसे पूछा गया नॉट यूज्ड,
तो जहाँ तक मेरा मेरे हिसाब से है, करेक्ट आंसर इसका फोर्थ है, आर्चेस में अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। हालांकि इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 12th नंबर में, लेकिन फिर भी आप बताइएगा मेरे को कि ये सही है या नहीं है। आर्चेस, आर्चेस सही है या नहीं है इसका मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। एबुल नोज होती क्या एक्चुअली में, जो राउंडेड होती है, यानी जो नॉर्मल ब्रिक होती है उनकी शार्प एजेस होती है, जब उनके कॉर्नर्स को अपन राउंड कर देते हैं तो वो बुल नोज कहलाती है, बुल नोज ब्रिक कहलाती है। अब वो कहाँ पर यूज़ नहीं होती है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट करेक्ट आंसर है इसका। आपके हिसाब से क्या हो सकता है आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच बाय अ लेयर ऑफ। ये थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसलिए मेरे को भी नहीं आता था। इसमें थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से आंसर है, आप मेरे को बताइए कौन सा है। विनाइल क्लोराइड होगा या क्रोमियम प्लेट होगा, जहाँ तक अंदाज़ा है इसमें क्रोमियम प्लेट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 13 का फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट्स फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉयल इज ए। तो क्ले सॉयल के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए जो कौन सा रोलर या फिर कौन सा इक्विपमेंट अपन सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। पेन्यूमेटिक टायर रोलर भी अपन लेते हैं, शिप फुट रोलर भी लेते हैं, दोनों ही अपन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए लेते हैं। कौन सी सॉइल को? क्ले सॉइल को। हालांकि पेन्यूमेटिक टायर जो अपन जो ये जो पेन्यूमेटिक टायर रोलर होता है, ये अपन सारी तरीके की सॉइल्स के लिए यूज़ में लेते हैं, लेकिन जो शिप फुट रोलर है ये सिर्फ क्ले के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर सही लग रहा है वो लगता है थर्ड ऑप्शन, यानी शिप फुट रोलर। मैंने कई बुक्स में भी इसी को देखा है, हालांकि पेन्यूमेटिक टायर रोलर में से भी हो सकता है, लेकिन मैंने कई जगह पर शिप फुट रोलर ही देखा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताते जाइए, कमेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जल्दी SSC के, JEE के, BSF JEE के, IES का भी हाल फिलहाल पेपर होने वाला है, तो इनके भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का एग्जैक्ट करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1, यानी सेम वेलोसिटी, यानी कि RC2, MC2, SC2 ये सेम वेलोसिटी की होती है। अगर RC1 से RC5 की तरफ चलते हैं तो वो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन अगर सभी सेम हो यानी 2 2 2, तो वो सेम वेलोसिटी की होती है। यानी ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। द शेप फैक्टर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल शुड बी, कितना होता है ट्रायंगल का शेप फैक्टर? 2.34, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स मैटर सेंटर शुड बी, इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर 17 नंबर क्वेश्चन। एज पर IS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ पुडलिन, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि WL बाय 8 इज द करेक्ट आंसर। यानी पुडलिन में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है? WL बाय 8 होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड मेरेडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरेडियन है वो कितना है? 32 डिग्री एंड हाफ, यानी 32 डिग्री एंड 30 मिनट, इसका ये करेक्ट है। हाँ, चंद्र प्रकाश ने बोला शिप फुट रोलर, हाँ हाँ सही है, एकदम सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है? सी ऑप्शन, सॉरी सेकेंड नंबर ऑप्शन, यानी 82 एंड हाफ, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द विंडो, एक सेकेंड, द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग इज, तो स्लोपिंग रूफ में कौन सी विंडो अपन प्रोवाइड करवाते हैं? तो इसमें अपन प्रोवाइड करवाते हैं डॉर्मर विंडो। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए क्विन क्लोजर इज है, तो जो आपकी क्विन क्लोजर होती है वो नॉर्मल जो ब्रिक होती है नॉर्मली, उसकी अगर हाफ कर देते हैं आप विड्थ वाइज अगर आप हाफ कर दोगे तो वो क्विन क्लोजर कहलाती है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, रेजिन क्या है? रेजिन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्वेंट इन। 20 का ए डॉर्मर विंडो, हाँ सही है। 21 देखते हैं, 21 का थर्ड ऑप्शन है, 22 का रेजिन्स क्या है? तो इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे को भी, क्योंकि हर क्वेश्चन मेरे को भी आया ऐसा जरूरी नहीं है आप समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेजिन्स थोड़ा सा, रेजिन्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्वेंट इन स्पिरिट, यूज इन वारिश, ये थर्ड तो एकदम गलत है, लेफ्ट बिहाइंड, फोर्थ भी एकदम गलत है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से एक हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट या फिर सेकंड में से एक हो सकता है, आपको क्या लगता है? आपने क्या किया 22 का, तो मेरे को बताइएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टीप्स
स्टेप, सॉरी स्टिप्स नहीं, स्टेप विच आर नॉर्मली ट्रेंगुलर इन शेप आर कार्ड, उसको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन विंडर्स को कहते हैं, यानी कि जो अपन ओके सेकंड बता रहे हैं, यानी कि आप 22nd का सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ हो सकता है, मैंने भी अभी कंफ्यूजिंग बताया है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर या फिर सॉल्वेंट इन स्पिरिट, इनमें से ही एक हो सकता है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट के अंदर, उतना ही जल्दी बाकी स्टूडेंट्स का 23rd का, हाँ 23rd का सही है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 24th का ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कंटेन सेम, क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस सेम होता है। ओके फ्रेंड्स, 25th की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी के डिपेंड्स अपॉन, तो इसमें जो कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। वॉइड रेशियो, देखिए साइड में ये फॉर्मूला भी मैंने इसमें लिख रखा है, के इज इक्वल टू 1/k इंटू ई क्यूब अपॉन 1+e इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू डी स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या क्या है, वो ई है अपने पास में, डिपेंड करता है ड्यूरेशन फ्लो पे, डिपेंड नहीं करता डायमीटर पे ऑफ द ग्रेन, डिपेंड करता है। अब ये अगर शेप फैक्टर ऑफ द, इससे डी के जगह पे क्या आ जाता है, 1/s आ जाता है, 1/s² आता है, यानी शेप ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का थर्ड ऑप्शन। 26th की बात करते हैं, द विंड ब्लो सॉयल आर एसोसिएटेड विद, तो इसका जो सही आंसर है वो है लुईस सॉयल। ओके फ्रेंड्स, 26th का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 27th की बात करते हैं, ओके 24th का मुकेश सोडा जी बोल रहे हैं थर्ड ऑप्शन, 24th का थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कंटेन सेम डिफ्लेक्शन, नहीं डिफ्लेक्शन तो नहीं होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन बेंडिंग स्ट्रेस ही होना चाहिए, हो सकता है फर्स्ट हो लेकिन थर्ड एंड फोर्थ तो नहीं है कंप्लीटली। हाँ हाँ थर्ड एंड फोर्थ तो गलत है, इसमें सेकंड होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ही है। क्वेश्चन नंबर 26th लुइज हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 27 ए टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग, इसमें मेरे को भी कन्फ्यूजन है कि क्लीवेज हो सकता है या फिर फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्चर अगर जहाँ पर होता है स्टोन का वहाँ से भी ब्रेक हो सकता है और क्लीवेज भी बोलते हैं, तो इसमें इन दोनों में से ही एक एक ऑप्शन होगा, बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ तो डेफिनेटली गलत है। 27th का थर्ड ऑप्शन क्लीवेज, हाँ हो सकता है क्लीवेज ही, जहाँ तक मेरे को लगता है इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली सही है उसका क्लीवेज है आंसर। 27th का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये हल्का सा थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए टाइड कॉलम, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी 5% इज मोर हो जाता है, हेलिकल रेनफोर्समेंट में सिंपल टाई के कंपेरिजन में 5% मोर हो जाती है स्ट्रेंथ। द वर्टिकल मेंबर यूज इन डोर फ्रेम इज कॉल्ड, इसमें जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी पोस्ट कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंग्रीडियंट टू सेपरेट, 27th का थर्ड ऑप्शन, हाँ 27th का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मैंने बताया ना 27th का थर्ड ऑप्शन क्लीवेज इज द करेक्ट आंसर, ये सेकंड नहीं है इसका। ओके 27th का क्लीवेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसीलिए तो मैंने बोला जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ में जुड़े हुए होंगे उतने ही ज़्यादा एकदम करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 23rd का बोल रहे हैं हैंगिंग स्टाइल्स, फ्रेंड्स हैंगिंग स्टाइल नहीं होगा, हैंगिंग स्टाइल इसमें पूछा किसके अंदर है, डोर फ्रेम के अंदर पूछा है, फ्रेम समझ रहे हो आप, एक जो डोर जो फ्रेम होता है साइड का जिसके अंदर डोर लगता है उसकी बात कर रहा है, आप अंदर वाले डोर्स की बात कर रहे हो, अंदर वाले डोर्स की जो वर्टिकल मेंबर है उनको आप स्टाइल्स बोलते हो। ओके लेकिन इसने फ्रेम की बात करी है तो फ्रेम के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 29th का ए, जैसे कि विवेक चौधरी ने बताया 29th का फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रीडियंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज कार्ड, तो उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कन्फर्म है ये। 31st का देखते हैं, वेन एच इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ ए चेन लेंथ एल, देन द करेक्शन फॉर द स्लोप रिक्वायर्ड इज, 31st का सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर यानी करेक्ट है एच स्क्वायर अपॉन 2L, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेक ऑन टर्निंग पॉइंट इज, तो पहला इसका बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, इसमें बोला गया है टर्निंग पॉइंट, कई बुक्स में मैंने देखा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी बोला गया है, कई जगह बैक साइड भी बोला गया, तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इन दोनों में से क्या होगा, क्योंकि ये दोनों तो नहीं है ये तो मुझे पता है। 23rd का फर्स्ट बैक साइड बता रहे हैं, 23rd का सेकेंड फोर्थ साइड तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, 22nd का फर्स्ट बता रहे हैं, 22nd का फर्स्ट बताया विवेक चौधरी जी ने भी, मतलब कि आप देख लीजिए चार जनों में से
पांच जनों में से फर्स्ट ही बताया बैक साइड इज द करेक्ट आंसर। तो जब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बैक साइड की तरफ से आ रही है तो डेफिनेटली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके बी गलत होगा। इंटरमीडिएट जिन्होंने भी किया है या फिर फोर साइड जिन्होंने किया है या फिर नन ऑफ दिस जिसने भी किया है वो गलत हो गया। बी ए इज़ द करेक्ट आंसर, फोर साइड ही होगा बैक साइड का। बैक साइड यानी कि द फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट इज द बैक साइड। ओके फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अ सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हैवीली बॉडीज इज नॉन एज। अब ये हैवीली बॉडीज क्या है मेरे को भी नहीं पता फ्रेंड्स, आपको क्या पता है आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। 33 का क्या आंसर हो सकता है? 33 का सेकेंड ऑप्शन यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज द करेक्ट आंसर। यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आ चुका है 33 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हैवीली बॉडीज, हैवीली बॉडीज की मतलब क्या, स्टार्स एंड मून्स की बात कर रहा होगा डेफिनेटली ये, तो हेवनली बॉडीज, हेवनली नहीं हेवनली बॉडीज, तो वो स्टार मून्स की बात कर रहा होगा डेफिनेटली, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इन इंडिया विच टेक्नोलॉजी इज़ हाईली अडोप्टेड फॉर फ्लोराइड रिमूवल। फ्लोराइड रिमूवल के लिए कौन सा मैथड अपन ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं? तो एरिएशन तो नहीं लेते तो डेफिनेटली है, ओजोनाइजेशन भी नहीं लेते, लाइम सोडा टेक्निक भी नहीं लेते, तो बसता है अपने पास में थर्ड ऑप्शन। तो 34th का थर्ड ऑप्शन यानी कि 34th का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके 34th का थर्ड ऑप्शन, किसी का शायद गलत भी आया है, कोई बात नहीं। नाल गोंडा मेथड अपन जनरली यूज़ में लेते हैं। 35th का, फॉर पाइप टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन रिनॉल्ड्स नंबर इज, रिनॉल्ड्स नंबर पाइप के अंदर क्या हो जाएगा, मोर देन 4000, लेस देन 2000 में तो लेमिनार होता है, 2000 टू 4000 में ट्रांजिशन होता है, मोर देन 4000 में आपका टर्बुलेंट हो जाता है। तो 35 का आपका थ्री ऑप्शन करेक्ट है। 36 की तरफ चलते हैं। आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा को अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें स्टूडेंट्स। 36 है, एन आइसोबार इज़ अ लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सर्फेस एज विच। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 36 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 100%। 37th की तरफ चलते हैं। अनडिस्टर्ब्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, ये कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए ही होता है, 100% करेक्ट है 37 का थर्ड। 38 का, द अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबर्टमेंट, इसका जहाँ तक मेरे को लगता है एट रेस्ट होना चाहिए। अब और ये भी हो सकता है एट एक्टिव प्रेशर भी हो सकता है, एट रेस्ट में मेरे को कन्फ्यूजन है, लेकिन क्या है आप बताइए एक बार। 38th का जहाँ तक मेरे को लगता है एट रेस्ट है, आपको क्या लगता है 38th का फ्रेंड्स? कमेंट्स नहीं आया, एक ही कमेंट आया अभी तक, थर्ड 38th का थर्ड। हाँ तो देख लीजिए, तीन आ चुके हैं कमेंट्स, तो डेफिनेटली एट रेस्ट ही है 38th का एट रेस्ट, देख लीजिएगा जी जिसका सही है वो मैं बता देता हूँ 38th का एट रेस्ट। 39 का, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इन मॉइस्चर कंटेंट एट 4% पे होता है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है 39 का सी यानी 5, 39 का फ्रेंड्स, 40 का नहीं, 39 का क्योंकि इन दोनों में से कन्फ्यूज़न है, थर्ड में से एंड सेकंड में से मेरे को कन्फ्यूज़न है। 5% 4% लगता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, इसको आप अपने आप देख लीजिएगा बुक्स में क्या होगा करेक्ट। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने तो जो इसका करेक्ट आंसर किया है वो थर्ड किया है, लेकिन इसमें जो लगता है मेरे को भी 4% भी हो सकता है। ओके मैं डाउट हूँ इस बात में, अब बहुत सारे स्टूडेंट का कोई 4% बोल रहा है, कोई 5% बोल रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। 40th क्वेश्चन के नंबर चलते हैं। द डायमीटर ऑफ नीडल इन विकेट अपेरेटस फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम इज, इसमें अपन क्या लेते हैं 40th का बताइए जल्दी से। 40th का ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 mm इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अपन 1 mm लेते हैं। और कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे 0.5 उसका डिप्रेशन होता है, वो भी विकेट प्लंगर का होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका नहीं होता, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। 42nd का, टाई बार्स अपन जनरली लॉन्गिट्यूडनल बार्स में लेते हैं, एक्सपेंशन में अपन कौन सा लेते हैं, डोवल बार्स यूज़ में लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके आगे वाले क्वेश्चन में अगर पेपर में कहीं आ जाए तो एक्सपेंशन में अपन डोवल बार्स लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में टाई बार। तो थर्ड ऑफ 41st का है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 42nd का इट इज़ कॉमनली। तो 42nd का आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डेफिनेटली। 43rd का देख लीजिए, 43rd में द मोस्ट टू मेन गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनरोबिक डिकम्पोजिशन आर, 43rd का बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके। तो 43rd का बताइए आपने क्या किया है, मैंने तो सेकंड ऑप्शन किया है, लेकिन कई स्टूडेंट्स फोर्थ भी बोल रहे हैं। 43rd का बताइए जल्दी से, 43rd का सेकंड ऑप्शन, एक ने फोर्थ दिया, सेकंड वन, 43rd का जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, 82 हैं क्या, इतने 4-5 हैं क्या कमेंट करने वाले, या फिर किया ही नहीं किसी ने, जल्दी से बताइए।
जहाँ तक मेरे को लगता है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए एक बार। तो निकल के आया डेफिनेटली 40, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरे नोट्स में पढ़ा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो निकलती है मीथेन, उसके बाद में जो निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 43rd का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 44th इसका जो होता है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो सबका करेक्ट हो गया होगा। अब इसमें देखिएगा 45th, 45th एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। ए आर एल ऑफ ए पॉइंट ए, आपको आर एल किसका दे रखा है फ्रेंड्स, पॉइंट ए का दे रखा है। इन एन फ्लोर, उसका आर एल दे रखा है आपको, फ्लोर पे है पॉइंट ए, उसका आर एल दे रखा है आपको 100 मीटर। बैक साइड रीडिंग ऑन ए, बैक साइड रीडिंग अपन ने कहाँ पर ली है, ए की ली है, ए पे अपन ने बैक साइड रीडिंग ली है। इफ फोर साइड रीडिंग ऑन द पॉइंट बी विच इज़ ऑन सीलिंग, ये है, देन डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 45 का, 45 का स्टूडेंट्स का आ रहा है सेकंड आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, मेरे को भी मैंने ढंग से देखा नहीं। आर एल ऑफ पॉइंट ए विच इज़ ऑन फ्लोर 100 मीटर, ये देख लीजिए कोई फ्लोर है, यहाँ पर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, ये पॉइंट ए है आपका, तो यहाँ से आपने जो रीडिंग ली वो आई ए पे बैक साइड रीडिंग 2.445 मीटर, एंड फोर साइड रीडिंग आपने पॉइंट बी की ली है, आर एल ऑफ बी बताना है। ओके, फोर साइड रीडिंग आपने ली है किसी सीलिंग की, तो स्टूडेंट्स का ज़्यादातर आ रहा है सेकंड ऑप्शन, थर्ड होना सही है, थर्ड तो किसी हालत में नहीं होगा, या तो फर्स्ट, या तो होगा आपका सेकंड ऑप्शन, एक सेकंड, सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा, इसमें आप देख लीजिएगा एक बार। मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही है सही आंसर, क्योंकि जैसा इसमें पढ़ने में आ रहा है फोर साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग यानी सामने की रीडिंग बी की और आर एल बी। हाँ डेफिनेटली 45 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके 101%। 46 के देखते हैं, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसमें आप देखिएगा, वैसे हाइड्रोलिक लाइम जो होता है वो अपने को मिलता है किससे, वो मिलता है अपन को स्लैकिंग ऑफ प्योर लाइम से, स्लैकिंग ऑफ लाइम से, ना कि कैल्सिनेशन ऑफ लाइम से, लेकिन जो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो फोर्थ ऑप्शन, हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत बोला है, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, लेकिन इसमें अगर आप बेस्ट अगर चूज करते हो तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 46 का। ओके फ्रेंड्स, 42nd का देखते हैं, 47th का, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ए क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, फर्स्ट 47th का फर्स्ट है ऑप्शन, 47th का फर्स्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, 47th का फर्स्ट कितनों ने किया है फर्स्ट, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत सारे ने कर लिया। ओके, नियोप्रीन इज सुटेबल फॉर यूज़, ये मेरे को नहीं पता भैया, नियोप्रीन होता क्या है मेरे को नहीं पता, क्या चीज़ है आप बताइए, आपको क्या पता है, नियोप्रीन का सही आंसर बताइए फटाफट। 48th क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन, 48th का एक ने सी बताया है, कहाँ से आया मेरे को भी नहीं पता, कहाँ से आया है, मैंने पहली बार सुना है नियोप्रीन। 48th, अरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे आप नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ आप पढ़ के चले जाओगे तो फिर आप ज्ञानी नहीं हो जाओगे। नियोप्रीन रबर के लिए, हाँ मेरे को भी यही लग रहा है फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो सकता है, और जहाँ तक मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है, जितनों से भी, उन्होंने फोर्थ ऑप्शन ही सही बताया, यानी हार्ड ड्यूटी रबर कोटिंग ऑफ फ्लोर, इसका डेफिनेटली हो सकता है। ओके, कईयों के थर्ड ऑप्शन भी आ रहे हैं फोर्थ का, मेरे को भी नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसको। 49th का, ए ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड इंसिडेंट एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज प्राइमरी एनकाउंटर्ड बाय, तो इसका आपको, आपने क्या किया जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन है इसमें फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर। 48th का, 49th का, 49, जल्दी से बताइए, 49th का फर्स्ट, डेफिनेटली मेरे को भी यही लग रहा था। 49th का रीडिंग बोथ दी वर्नियर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 49th का फर्स्ट आंसर करेक्ट है। 50th का देखते हैं, 50th का, 50th का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपने क्या किया जल्दी से बताइए। 50th का थर्ड ऑप्शन, डेफिनेटली 5th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द आर एल ऑफ लेवल, आपको आर एल दे रखा था, पी का, क्यू का, आप और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछ रखी थी, आपको बताना था डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम पी एट विच द पॉइंट दैट मच कंटूर, तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो सेकंड निकल के आया, आपका क्या निकल के आया जल्दी से बताइए। 51st का सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके फ्रेंड, डेफिनेटली 101%। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि बाकी बच्चों ने भी यही किया है, नहीं, 3.59 नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 इसका देख लीजिएगा आप, मैच कर लीजिएगा, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ 100%, वो है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
सबने कर दिया होगा डेफिनेटली। ओके क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका देख लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा, इसमें 100% थर्ड ऑप्शन इसका सही है। प्रॉक्टर टेस्ट अपन लेते हैं कॉम्पैक्शन के लिए, वेन शियर टेस्ट लेते हैं शियर स्ट्रेंथ के लिए, और पेनिट्रेशन टेस्ट लेते हैं बियरिंग कैपेसिटी के लिए, हाइड्रोमीटर टेस्ट लेते हैं ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए सेडिमेंटेशन के अंदर, आपने करा होगा डेफिनेटली। 54 बताइए, 54 का जो करेक्ट आंसर है वो 80 है। ओके ये निकाल के देख लीजिएगा, आपको ये 80 निकल के आ जाएगा, इसके अप्रॉक्स निकल के आएगा क्योंकि साली वैल्यू किसी की भी सही नहीं आ रही थी। ओके 54 का आपका क्या निकल के आया जल्दी से बताइए, 54 का 54 थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं स्टूडेंट्स, 54 का थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं फ्रेंड्स, 54 का थर्ड, दो जनों ने यार 82 में से क्या दो ने ही किया है क्या 54 का आंसर, कम ऑन फ्रेंड्स, फर्स्ट 54 का थर्ड ऑप्शन, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का थर्ड आया तो मैं मानता हूँ थर्ड ऑप्शन भी इसका सही हो सकता है, यानी थर्ड ऑप्शन को मैं सही मान रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, हालांकि मैंने 80 निकाला था लेकिन मेरे से कहीं गलती हो गई दिखती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन 54 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 मैंने निकालने की पूरी कोशिश कर ली अपनी तरफ से जिद्दोजहद, लेकिन मेरे से नहीं निकल पाया डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर, और मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था इसलिए मैं निकाल भी नहीं पाया, और मैंने अभी देखा नहीं कि इसको एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे। 55th का जल्दी से आपने अगर किसी ने किया हो तो आंसर बता दीजिए 55th का। चलो कोई नहीं, आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, फॉर ए गिवन शेयर फोर्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था 55th। ओके अगर अपन बात करते हैं इसमें काफ़ी सारे कैलकुलेशन की यूज़ में आ रहा था, इसलिए मैंने भी मेरे से भी आंसर नहीं निकल पाया इसका वहाँ पर बिना कैलकुलेटर के। फॉर ए गिवन शेयर फोर्स अक्रॉस अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन, इसके अंदर अपने पास में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है थर्ड ऑप्शन पे सही है, 56th का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 101%। 57th का बहुत इजी क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 58th की तरफ चलते हैं फटाफट, टू बीम ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया इफ वन बीम हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसमें मेरे को डाउट है, आप बताइए आपने क्या किया है इसमें मेरे को डाउट है सेकेंड एंड थर्ड में आपने क्या किया है 57th 58th का जल्दी से 58th का थर्ड ऑप्शन 58 का फोर्थ तो नहीं है किसी भी हालत में, सेकेंड एंड थर्ड में सही है। ओके ज़्यादातर सही है, 58th का जो मैक्सिमम करेक्ट आंसर है वो है स्क्वायर सेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, देख लीजिए मैंने निकाला भी है साइड में कहीं पर, यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ओके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा कहाँ पर है, ये रहा। ओके इसमें ये जो थोड़ा फॉर्मूला है ये शायद हल्का ए जो होता है ये आ जाएगा शायद डिवाइडेड बाय 4 भी यहाँ पर कर दीजिएगा तो आ जाता है ए डी का अपॉन 8, तो आप देख सकते हैं कौन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रेंथ, यानी कि ओके यानी कि इसमें कौन सा थर्ड ऑप्शन 58th का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 59th का आप निकाल लेंगे, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने कहीं कर भी रखा होगा, ये रहा 59th का आप निकाल के देख लीजिएगा, फिफ्थ ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 59 का। फोर्थ, अरे यार स्टूडेंट्स आपने शायद गलत कर दिया, 59 का सेकंड ही आएगा, आपने एम नहीं माइनस किया इसके अंदर, एम भी माइनस करना था। ओके जिन्होंने फोर्थ किया है उन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पर आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करना है अपन को, स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी 5 आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखते हैं, तो इसमें आपका क्या आंसर निकल के आया आप मेरे को बताइए, मैंने थोड़ी पता नहीं क्या कैलकुलेशन करी, मेरे को याद नहीं है कि मैंने सही किया था गलत किया था, आप बताइए 60th का आंसर क्या आया अगर किसी ने सॉल्व किया था, आई होप मेरे हिसाब से नहीं किया किसी ने भी, कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा क्वेश्चन लेकिन मैंने जो निकाल के आया मेरा 30 kN/m निकला था, पता नहीं कैसे निकला मेरे को भी याद नहीं है। 61 का क्वेश्चन 101%, 60th का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुका है इसलिए 60th का थर्ड ऑप्शन यानी कि 20 kN/m सही है। ओके फ्रेंड्स देख लीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स भी, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं, उसका थर्ड ऑप्शन इज द 100% करेक्ट आंसर है। 62 का ओके सही है, ये क्या ऑप्शन सही है, पुल इन प्रोवाइड ओवर रूफ सही है यानी कि ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 62nd का आपने क्या किया है, 62nd का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यस फर्स्ट ही सही है एकदम करेक्ट आंसर है जो है 62nd का वो फर्स्ट ऑप्शन है। 63rd का जो देखते हैं इसमें जो सही आंसर मेरे को लगता है वो फर्स्ट है यानी स्ट्रॉन्गर, इसमें पूछा गया था आपसे ए सिमेट्रिकल चैनल सेक्शन इज मेड ऑफ ए मटेरियल विच इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इट इज यूज एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद इट्स वेब हॉरिजेंटल टू कैरी वर्टिकल लोड,
सिक्सटी थर्ड का जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था सिक्सटी थर्ड का, लेकिन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शन किया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्सटी थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। इन ए सिंप्लीफाइड डिज़ाइन ऑफ एंगल आयरन पोलिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन वुड बी नॉट बी वैलिड। तो इसमें से आपसे पूछा है नॉट, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है आपसे, तो इसमें कौन सा सही नहीं है। लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज़ कंसिडर। मेरे को कन्फ्यूज़न है 64 के अंदर, 64 के अंदर मुझे कन्फ्यूज़न है। ओके, मैं सही सही बात बता देता हूँ। 64 में मेरे को, मैं नहीं बोलता फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हालांकि मेरे को लगता है फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अपने पास में कॉमेंट आ चुका है फोर्थ ऑप्शन के लिए, तो मैं यही मान के चलता हूँ। ओके, नहीं, सेकेंड तो नहीं होगा, 64th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, 64th का फोर्थ ऑप्शन। 65 की तरफ चलते हैं। इन ए कंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द 65। 65 आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या हो सकता है, आपने क्या किया है, जल्दी से बता दीजिए। 65 का बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 65 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुका है। थर्ड ऑप्शन 65 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 66 का देखते हैं। इन ए प्लेन कॉन्क्रीट पेडस्टल, इसमें भी मेरे को नहीं पता है 66 का क्या होगा, आप बताइए, आपने अगर किसी में ने किया हो तो। 66 का, 66 फ्रेंड्स, 66 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए 66 का, जल्दी। चलो कोई नहीं किया किसी ने, तो कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। 67, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, तो ये होता है अपने प्राइमरीली शॉर्ट स्पान के हिसाब से अपन डिज़ाइन करते हैं, तो इसीलिए सेकेंड हो जाएगा 67 का सेकेंड नंबर। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आ भी गया है कमेंट्स, सबका सही है। ड्रॉ पैनल्स, जो ड्रॉप होते हैं, जो फ्लैट स्लैब के अंदर ड्रॉप पैनल्स अपन यूज़ में लेते हैं, वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जनरली, वो थ्रस्ट के लिए होते हैं। 68 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या किया है जल्दी से बताइए। 68 का फोर भी किया है, 68 का, अच्छा फोर भी हो सकता है, या बताइए जल्दी से, मेरे को भी कन्फ्यूज़न था। अच्छा, एक ही ने किया है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है थ्रस्ट हो सकता है, लेकिन हालांकि हो सकता है फोर्थ हो, मैं नहीं कह रहा, मेरे को जहाँ तक लगता है थ्रस्ट है। ओके फ्रेंड्स, और स्टूडेंट्स ने, एक ने किया भी है 68 का फर्स्ट, तो जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से करा था, उसने भी 68 का फर्स्ट ही बताया, उन्होंने बदला बुक से पढ़ा हुआ है, 68 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, डेफिनेटली। 69 का, 69 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो बोला गया है डक्टाइल फेलियर नहीं होता उसके अंदर। इसमें कई स्टूडेंट्स ने सोचा होगा ओवर रेनफोर्स, यानी रेनफोर्स में ज़्यादा दे दिया तो डक्टाइल फेलियर नहीं हो ओवर रेनफोर्स में, देर इस, तो इसमें जो सही आंसर है 101% थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 69 का। 70 का आप देख लीजिएगा, 70 का क्या पूछा, द मैक्सिमम डायमीटर दैट अ कैपिलरी ट्यूब, इसका मैंने निकालने की कोशिश करी थी यहाँ पर, जो मेरा निकल के आया आंसर, एक सेकेंड थोड़ा मिनिमाइज हो गया, एक बार वापस खोल लें। ओके, तो इसका जो मेरा निकल के आया वो फोर्थ ऑप्शन निकल के आया। 70 का स्टूडेंट्स का क्या निकल के आया, 70th का अभी तक किसी का फोर्थ तो नहीं आया 70th का। चलो, काफ़ी स्टूडेंट्स का फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो फोर्थ तो होगा नहीं डेफिनेटली। ओके, तो हो सकता है सेकंड। 6 mm इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 6 mm निकल के आ रहा है, मुझे नहीं पता है, मैं बोल नहीं रहा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, देख लीजिए आप आपस में। क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 71 का देखिएगा, 71 का क्वेश्चन नंबर 71 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 71, यार तीन ने सेकंड कर दिया, तो डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ गलती करी है डेफिनेटली मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 30 न्यूटन। ओके, 71 का सेकेंड नंबर, यानी 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन है बैंक ऑफ, तो इसमें तो डेफिनेटली वैसे ये स्टैंडिंग आगे बढ़ नहीं रही, तो वैसे तो क्रिटिकल होना चाहिए था, लेकिन सब क्रिटिकल तो हो नहीं सकता, आपको भी पता है, स्टडी हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 72 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है, एक सेकंड में, थोड़ा इसमें बैटरी डिस हो रखी है, इसलिए एक बार मैं थोड़ा चार्ज लगा लूँ मोबाइल को, अगेन मैं आता हूँ एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 का आप जल्दी से आंसर बताइए मेरे को, जब तक स्टूडेंट्स फटाफट आंसर बताइए 73 का।
73 का आंसर बताइए फटाफट, कितनों ने बता दिया एक बार देख लेता हूँ मैं। 73 का कई सही आंसर बताइए, 73 का फोर्थ ऑप्शन सही है डेफिनेटली, मैंने भी निकाला था, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ही देख लीजिए साइड में मैंने निकाल रखा है, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व किया है इसको, तो यार ये देख लीजिए पूरा सॉल्व किया है इसको, ये यहाँ पर देखिएगा ये पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व कर रखा है मैंने, पेपर में ही सॉल्व किया था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 74 भी जो है उसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 जल्दी से बताइए यार, इतना धीरे धीरे चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं, तो ये मैंने नहीं किया, आप बता दीजिएगा क्या आंसर इसका सही है फटाफट, बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का, क्वेश्चन नंबर 75 फोर गया, 74 का फर्स्ट मैंने बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन का कही है सही है 74 का। 75 का जो स्टूडेंट्स का आ रहा है ऑप्शन वो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ओके डेफिनेटली हो सकता है, मेरे मैंने करा नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है वो 75 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है, और मैक्सिमम जो कमेंट आ चुका है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आ चुका है, यानी 75 का 80 मीटर क्यूब पर सेकंड, ओके 80 मीटर क्यूब पर सेकंड, हाँ 101% 75 का 2 ही होगा। खोसला फॉर्मूला फॉर एजम्पशन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर वेयर फॉर्मूला आर बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है, 76 पे मैं कन्फ्यूज़न था, आप बताइए आपने क्या किया है। 76 शायद किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं 77 की तरफ चलते हैं, 76 से किया है स्टूडेंट्स ने, ऑप्शन नंबर 1 सही बता रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर 1 जब कोई बता रहा है तो डेफिनेटली वही सही होगा। पोटेंशियल फ्लो इन पोटेंशियल फ्लो इन परमेबल लेयर जस्ट बेंथ द सर फ्लोर, नहीं यार ये तो नहीं होगा किसी भी हालत में, 76 का फर्स्ट तो नहीं होगा। 77 देखते हैं, 77 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है डायरेक्ट 101%। 78 हो गया 73 फ्रेंड सेल्फ वेट, मैंने देख लिया 78 फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है 101%, 78 का फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो 24 नहीं होता है, सैंड फिल्टर बोला गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, और सैंड फिल्टर तो इतना तो स्मूथ डैक जो लेयर होती है बायोलॉजिकल लेयर उसको बनने में लग जाता है इतना टाइम, तो उसको हटा थोड़ी देंगे इतनी जल्दी, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है इसका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड। ओके क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा, 79 का फर्स्ट ऑप्शन, 79 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओके 79 का फर्स्ट ऑप्शन, 79 का थर्ड भी है क्या किसी का, क्या दे दिया एक बार देख लेते हैं एक बार, 79 का फर्स्ट ही है 101%। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में जो सही आंसर है वो आप देख लीजिएगा थर्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन, ओके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आ चुका है आंसर इसका, तो लगता है इजी था। ए वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ 2 ml इज मेड, इसको आप देखिए बीओडी ये मैंने निकाल रखा है यहाँ पर साइड में, इसको आप निकाल दे यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन एकदम सही आएगा 900 ml पर लीटर आपका निकल के आ जाएगा, ओके 82, अच्छा एक स्टूडेंट 90 पे पहुँच गया 80 का, चलो ठीक है 82 का यहाँ पर देख लीजिएगा सही ऑप्शन इसका 101% ट्रिकलिंग फिल्टर है, ओके 83 का सेकंड ऑप्शन 83 बताइए फ्रेंड्स, 82 हो गया छोड़िए, 82 का मैंने बता दिया सही एकदम 100%, 83 का बताइए, हाँ मेरे को भी डाउट था इसीलिए मैंने पूछा है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में मेरे को भी डाउट लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन ये दो तो है ही नहीं किसी भी एंगल से, छोड़ दीजिए जिन्होंने इनका आंसर दिया वो तो मत बताइए, सेकंड एंड फोर्थ में से बताइए किसी ने अगर किया है तो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है वो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये होता ही नहीं है कहीं पर, और जहाँ तक फोर्थ ऑप्शन दो ने बताया है सेकंड 83 का, काफ़ी सारे का आंसर आ चुका है फोर्थ ऑप्शन, तो डेफिनेटली जब ज़्यादा स्टूडेंट्स का फोर्थ आया है तो फोर्थ ही होगा, मैं भी यही मान के चलता हूँ 83 का फोर्थ ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स 83 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, निकल के आ चुका है आंसर 83 का फोर्थ ऑप्शन। 84 का चलते हैं, 84 में आप निकालेंगे तो मैंने निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, हालांकि पता नहीं ये सक्सेस हुई या नहीं हुई, वो आप देखिएगा आप जज करिए सक्सेस है या नहीं है। 84 का बताइए जल्दी से, 84 का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 944 भी आया है, किसी का 280 भी निकल के आया है, मुझे तो वापस सॉल्व करना पड़ेगा, या तो मैंने कहीं गलती कर दी सॉल्व आउट करने में हो सकता है, बाकी ये देख लीजिएगा आप है ना इस क्वेश्चन को, मैं 85 की तरफ चलता हूँ,
फॉरवर्ड मूव करता हूँ। 84th का शायद स्टूडेंट्स का ज़्यादा नहीं आ रहा, 84th का एक बार बता दीजिए, फिर भी 84th का स्टूडेंट्स का ज़्यादातर आ चुका है। चलो ठीक है, 84th में सेकंड को मैं करेक्ट मान के चलता हूँ। ओके 85th का देखते हैं। एज़ पर IRC गाइडलाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसका डेफिनेटली 101% 85th का सेकंड ऑप्शन सही है। 85th का सेकंड ऑप्शन एकदम 101%। 86th का देखते हैं। 86 में मैंने बुक में देखा था तो उन्होंने मिडल एट द मिडल बताया है। ओके जो अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं RCC के अंदर वो मिडल होता है। 86th का 85 से मैं हट चुका हूँ, 86 पे आ चुका हूँ। 86 का थर्ड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। 87 की तरफ चलते हैं। ए सेकंड बता रहे हैं स्टूडेंट्स, नहीं यार सेकंड तो नहीं होगा, यार सेकंड नहीं होगा, 86 का थर्ड ही है, मैंने बुक में देखा था कहीं पर, हालांकि क्या पता वो बुक भी गलत बोल देता ऐसा मेरे को हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने बुक में देखा था तो एट द मिडल ही बोला गया था। ओके 87th, ओके 87 देखते हैं। द पेंस की मार्टिन 101% फायर पॉइंट के लिए यूज़ में लेते हैं, फ्लैश एंड फायर के लिए यूज़ में लेते हैं। ओके और आज हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बहुत ही जल्दी। इस ये चैनल कुछ ही महीने पहले, 2-3 महीने पहले स्टार्ट हमने किया था और आज 5000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं इस चैनल के, तो आप सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई इस चीज़ के लिए, आप सभी का सपोर्ट रहा। 88th का क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़ द 101% सही है। 89th का देख लेते हैं। 89th कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाई, तो इसमें सारे यानी कि फोर्थ ऑप्शन 89th का, 89th का हाँ भाई सही बात है, बेरोजगार इंजीनियर है सब तभी यहाँ पर है, कोई बात नहीं जल्द रोजगार लग जाओगे, मेरी दुआ आप लोगों के साथ में। द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द एनालिसिस ऑफ इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, जहाँ तक लग रहा था मेरे को भी थर्ड ऑप्शन होगा, लेकिन 89th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मैंने भी यही किया है डेफिनेटली, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द जॉइंट आर कंसिडर्ड रिजिड व्हेन, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन 90 का भी फोर ही होगा। ओके फ्रेंड्स 90 का भी फोर होगा। 91 की तरफ चलते हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम किसके कब होती है, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बताइए। 91 का फ्रेंड्स 90 तो हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मेरे को बता दिया। 91 का बताइए आप, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है 91st का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डी भी आ रहा है, यानी कि एक सेकंड मैं वापस देख लेता हूँ। इज इट ट्रू, मैं शायद पीछे के ऑप्शन ही नहीं पढ़े इज ट्रू फॉर एनी स्ट्रक्चर ऑबेज हुक्स लॉ कैन बी अप्लाइड ऑन रोटेशनल कर्व। ओके फ्रेंड्स डेफिनेटली 100%, मैंने पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़े थे, मैंने पहला ही ऑप्शन दे दिया आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 91st का फोर्थ ऑप्शन 101% सही है। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आपका है सेकंड नंबर ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है। स्पान अपॉन 250, स्पान अपॉन 350 किसने कर दिया यार, ये जो गलत हो रखी है ना गलती, ये सबसे हो जाती है। मैंने इन दोनों को मान के आंसर कर दिया था, मैंने सोचा इन दोनों को लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती से मैंने 2 ले रखा था। इसका जो सही आंसर है वो है स्पान अपॉन 250, यानी मैं जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, स्पान अपॉन 250। 92 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 101% 92 का फर्स्ट। 93 का देखिए, फॉर द ओके एक सेकेंड ओवर द फॉर द ओवरऑल कॉस्ट फॉर द रूफ, इसमें जो सही आंसर है वो है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पुर्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। 93rd का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है 101%। 94 का देखिएगा, 94 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 95th का देखिए आप, 95th का 2 to 4 आवर होता है। इसमें ये चीज़ जरूर देखिएगा, यूज़ कोएगुलेशन एडेड के लिए 2 to 4 आवर होता है, और विद प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4.4 to 8 आवर होता है, लेकिन आपको कोएगुलेशन दे रखा है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 95 का सेकंड ऑप्शन 101% करेक्ट है। 96 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन में, किसी को डाउट हो तो बताइएगा। द ओवरफ्लो शीट ऑफ ए वाटर ऑन ए वियर इज कॉल्ड फोर्थ ऑप्शन, डेफिनेटली 101%, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्रेस्ट। ओके फ्रेंड्स क्रेस्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 96 का काफ़ी सारे स्टूडेंट, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है, अच्छा यार 2 भी हो सकता है या नैपी, मैंने देखा नहीं, मेरे को नहीं पता रियली में 96 का, फिर भी आप बताइए एक बार। 96 का 2 ऑप्शन, कोई 4 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा आप, है ना 96 को। 97 की तरफ चलते हैं। फॉर ए ट्रांजिशन कर्व द शेप रिकॉर्डेड बाय IRC, तो इसके लिए जो होता है 97 का वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 97 का आप बताइए, 97 का
गया 96, छोड़िए बहुत सारे, 97 का बताइएगा। वैसे ट्रांजिशन में तीनों कर्व को यूज़ में लेते हैं, स्पायरल भी लेते हैं, लेमनिस्केट भी लेते हैं, क्यूबिकल पैराबोला भी लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है स्पायरल, इसीलिए मैंने स्पायरल किया। 97, 97 डी, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड नहीं है ये तो गलत है, ये दोनों तो नहीं, ये तो गलत है, हो सकता है ये भी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि अपन जो रोड्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो क्यूबिकल पैराबोला करते हैं, और स्पायरल बेस्ट है एंड सारे तो ट्रांजिशन कर्व है, इसलिए इन तीन में से कोई सा भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था 97 में, 97 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, यार 98 पे पहुंच गए आप लोग, मैं सारे नीचे करता हूँ एक बार। 97 बताइए पहले, 97, 97 यार 98 पहले बताने लग गए, 97 तो बता दीजिए। 97 थर्ड ऑप्शन, डी ऑप्शन, हाँ यार मैं भी यही बोल रहा हूँ, क्यूबिकल पैराबोला अपन रोड में यूज़ में लेते हैं ये मुझे पता है, स्पायरल बेस्ट कर्व होता है एंड ये तीनों ट्रांजिशन कर्व होते हैं, तो या तो फोर्थ होगा, थर्ड होगा या फर्स्ट होगा, इनमें से एक होगा, आप देख लीजिएगा कौन सा। यार 97 का थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड फर्स्ट, डी 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 डी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग जवाब आ रहा है, 97 का फर्स्ट, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यार स्पायरल होना चाहिए, लेकिन अब IRC बोल दिया ना इन्होंने, तो इंडियन रोड कांग्रेस की बात कर ली, तब क्यूबिकल पैराबोला हो सकता है, लेकिन तीनों सारे, अब मैं कन्फ्यूज़न हूँ इसलिए मेरे को आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। 98 की तरफ चलते हैं, एसफॉल्ट कॉन्क्रीट इज़ ए मिक्स, इसमें जो आएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 98 का थर्ड। ओके फ्रेंड्स, 98 का आपका थर्ड है, देख लीजिएगा आप, चेक कर लीजिएगा 98 का थर्ड, 97 का बुक में भी दे रखा है, 98 का थर्ड देख लीजिए किसका सही है, 98 का थर्ड। ओके 99 की तरफ चलते हैं, 99 है ऑन एयर राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन, उसमें कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई राइट एंगल है आपका, कोई इंटरसेक्शन है, उसमें टू वे ट्रैफिक है दोनों साइड में, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बनते हैं वो 24 बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, द शेप ऑफ स्टॉप, तो इसका थर्ड ऑप्शन ऑक्टागोनल इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए हों, और जल्दी से स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 100 नेगेटिव को मिला करके, यानी नेगेटिव आपको पता ही है जैसे 1/3 है, नेगेटिव आपकी कितनी है, 1/3, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन अगर गलत करा तो उसके 2 मार्क्स, अगर आपने सही किया होता तो 2 मार्क्स मिलते, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके आपके कट जाएंगे 0.66 मार्क्स। ओके तो इसको आपको मिला मिलू कर काट कूट करके आपके ओवरऑल 200 में से आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स बन रहे हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, 200 में से आपके कितने से कितने मार्क्स बन रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए 200 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, इससे मैं आप, यार मैं भी चाहता हूँ कि जिसको जो मेरा वीडियो देखे उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, डेफिनेटली आपके अच्छा स्कोर हो, 95 करेक्ट, वेरी गुड भाई क्या 95 क्वेश्चंस करेक्ट है, 95, अरे वेरी गुड, 130, 155, 130, वेरी गुड, 70 करेक्ट, 70 क्वेश्चन करेक्ट, यानी 150 मार्क्स, 140, बहुत अच्छी बात है, 155 मार्क्स, तो देख लीजिए आपके सामने हैं स्टूडेंट्स के स्कोर, तो यहीं से आपको कट ऑफ का भी अंदाज़ा लग जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कट ऑफ से रिलेटेड भी है, तो आपको कट ऑफ का भी एक अच्छा खासा अंदाज़ा लग सकता है यहाँ से, तो देख सकते हैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के यहाँ पर, हालांकि मैं मानता हूँ मेरे साथ में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं आप सभी अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे पढ़ने वाले तभी आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं, और 185 भरत कुमार, वेरी गुड स्कोर यार, 185 तो बहुत अच्छा स्कोर है, यानी 92.5% मार्क्स आपके, वेरी गुड स्कोर, वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, बहुत आसान पेपर था, अगर जिसने सारे क्वेश्चन रट, एक तरीके से देखा जाए ना रटाफिकेशन वाला पेपर था, SSC जैसा पेपर था, ऐसा नहीं आपको कॉन्सेप्चुअल हो पेपर, आपने कॉन्सेप्ट लग रहे हो ज़्यादा, जिसने रट रखा है वो क्वेश्चन, जिसने वो चीज़ पढ़ रखी है कहीं ना कहीं तो वो ईजिली कर सकता है उस क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड्स, और जिसने वो चीज़ नहीं पढ़ रखी, कहीं नहीं देख रखी, जैसे मैंने भी कई क्वेश्चन थे जो मैंने कभी पहले नहीं देखे थे, पहली बार देखे थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, तो वो आप नहीं कर सकते, जिसने वो देख रखेंगे वो डेफिनेटली कर सकते हैं, ये तो वही बात है, जो जितनी बुक्स करेगा सॉल्व, जो जितने क्वेश्चंस लगाएगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुके हैं अब तक मेरे पास में, हो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन नंबर्स बन रहे हैं, 185, 168, 182, 170, 165, अरे भाई कट ऑफ 200, नहीं यार 200 नंबर नहीं जा सकती, किसी हालत में 200 नंबर कट ऑफ नहीं जा सकती, जितने भी स्टूडेंट्स जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ का आप क्यों नहीं मानते, ये सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले नहीं है ना वो तो अभी वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, वो तो आराम से अभी नींद निकाल रहे होंगे कि भाई साहब हम तो थक गए पेपर दे करके,
अब हमें नींद निकालनी है। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो रियलिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियलिटी में इस चीज़ की दृढ़ संकल्प लेके बैठे हैं कि मेरे को एएन में सेलेक्ट होना है, चाहे हर हालत में, अगर 250 मार्क्स भी कट ऑफ चली जाए तो उसको भी मुझे क्लियर करना है। ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 500 में आएंगे फ्रेंड्स, आप इनसे मत बताइए कट ऑफ, 200 नहीं जाएगी किसी भी हालत में। ओके, इस चीज़ से मैं श्योरिटी आपको मैं देता हूँ कि 100 से लेकर के 150 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 150 एक्सट्रीम सिचुएशन में 150 जाएगी। अगर ऐसा हो गया भाई, बहुत ही कोई तगड़ी कंडीशन आ गई, तब 150 बोल रहा हूँ मैं, बाकी 100 to 120 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी डेफिनेटली। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैं अभी नहीं बोल रहा कट ऑफ के एग्जैक्ट कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ, 100 से लेकर 120 जनरल की जाएगी, और अप्रॉक्स 100 के आसपास आप बोल सकते हैं ओबीसी की चली जाएगी। एसटीएससी की तो छोड़ दीजिए, आप बात मत करिए, एसटीएससी में तो बहुत आसानी से, अगर आप एक कोई भी एक पेपर, अगर आप नॉर्मल, अगर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे फ्रेंड। एसटीएससी के अंदर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप कहीं गर्ल्स से आते हो, अगर आप गर्ल्स कोटे से आते हो, या फिर गर्ल्स कोटे तो सारी मेरे हिसाब से ऑल क्लियर रहेगी लड़कियाँ, लेकिन फिर भी ओके फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ चुका है, ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, यार ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा वेरी नहीं करती। आपने जैसे आरएएस में देखा होगा कि आरएएस के पेपर के अंदर जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो 100 में से ओबीसी की 99 रही थी, अगर 15 टाइम्स अगर सेलेक्ट किए जाते तो, और जनरल की 75 रही थी, तो ओबीसी और जनरल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा। लेकिन जब वापस से कट ऑफ लिस्ट आई तो जो अपने कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आरएएस की जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर ही जाएगी ओबीसी की, तो ओबीसी की जनरल से ज़्यादा जा नहीं सकती, जबकि जैसे मैंने बोला 100 से 120 अगर जनरल की है तो आप ओबीसी की मान के चलिए कि 90, 80, 90, 100 के आसपास जा सकती है। 100 नहीं बोल रहा मैं जनरल की कट ऑफ, 100 तो ज़्यादा हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, क्योंकि यार 45,000 जनरल स्टूडेंट्स लेंगे, तो 45,000 जनरल कैंडिडेट्स को लेंगे अगर, बहुत हो जाता है यार, मेरे को लगता नहीं 100 मार्क्स भी जाएगी कट ऑफ। फिर भी आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं इस कमेंट के जरिए, और काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिला मेरे को इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिला मेरे चैनल पर, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो ये 89 जो स्टूडेंट्स मेरे अभी इस वक्त देख रहे हैं चैनल को हैंड टू हैंड इसी वक्त, इतना मैंने आपके लिए इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाया, तो ये 82 to 89 स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी के अभी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने पार्टिसिपेट किया है आंसर की बनाने में, अगर एक स्टूडेंट एक या कोई टीचर अगर अगर आपका कोई भी चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, ऐसा नहीं है सारे 100 में से 100 क्वेश्चन उसे आते होंगे, ये तो आप भी मानते हैं, और कोचिंग में आप भी पता है कि ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 3 टीचर होते हैं, तो वो 100% श्योर आंसर की नहीं दे सकते आप लोगों की, लेकिन अपन ने यहाँ पर ऑन एन अप्रॉक्स 100 to 100 स्टूडेंट्स ने मिल करके आंसर की तैयार करी है। ओके फ्रेंड्स, 100 स्टूडेंट्स ने मिलकर आंसर की तैयार करी तो डेफिनेटली आंसर की तो बहुत अच्छी बनी होगी, तो प्लस माइनस इस आंसर की में कोई 1-5 क्वेश्चन आप आगे पीछे ले लीजिएगा। ओके, बाकी जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं वो एग्जैक्ट करें हैं, प्लस माइनस आप 5 क्वेश्चंस ले लीजिए, बाकी जो आपके मार्क्स बनते हैं वो एग्जैक्ट बनेंगे डेफिनेटली, इस चीज़ से आप श्योर हो जाइएगा। ओके, तो अपनी बहुत अच्छी आंसर की है, आप इस चीज़ से श्योर हो जाइए। अभी 96 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को। ओके, देखते हैं क्या कमेंट्स आए, मैक्सिमम क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता। हाँ स्टूडेंट्स, आरपीएससी एएन का जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हैं वो गुप्ता एंड गुप्ता से आए हैं, ये मैंने भी मैंने नहीं कई स्टूडेंट्स का ये था कि गुप्ता एंड गुप्ता में से सारे क्वेश्चन, यार आपको पता है राजस्थान के अंदर कौन सी बुक फेमस है, गुप्ता एंड गुप्ता फेमस है, खुरमी इतनी मोटी बुक है जो टीचर होता है वो खुद ही नहीं उठाना चाहता उसको सॉल्व, उसमें से क्वेश्चन देने के लिए, क्वेश्चन देने के लिए आजकल क्या है ना, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ या फिर टीचर हैं वो आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, सब आलसी हो चुके हैं, क्योंकि डोकरे होते हैं सारे सारे प्रोफेसर, वही पेपर बनाते हैं, तो वो आलसी हो चुके हैं, सीधे किसी भी बुक को उठाएंगे वहाँ से वो पेपर्स बना देंगे फटाफट। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो गुप्ता एंड गुप्ता में से थे। कट ऑफ वापस से स्टूडेंट वही कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, एससी की कट ऑफ, सर कट ऑफ बताऊँ किसकी कट ऑफ बताऊँ भाई, जनरल की, एसटी की, एससी की, मैंने बता दिया कि 100 से 120 मार्क्स, मैक्सिमम 120 मार्क्स, एक्सट्रीम सिचुएशन अगर कोई चली गई जो कि कभी नहीं जाएगी, 99% नहीं जाएगी, अगर गई भी तो 150 मैक्सिमम बोलता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ 150, यार 150 मार्क्स पता है आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं टेक्निकल का अंदर मैंने 150 मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन वहीं आप जीके का पेपर देख लीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पर बच्चों के 25 मार्क्स आना मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था ना वो बहुत अच्छा लेवल था,
ओके ऑन एन एवरेज वहाँ पर जो मार्क्स हैं आपके 35 से लेकर के 50 मार्क्स अगर आपके जीके में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ जीके के ही भरोसे बैठे थे उनका मामला ख़राब हो चुका है। ये तो मुझे पता था, कई स्टूडेंट ऐसे थे जो टेक्निक सोच रहे थे जीके में ही नंबर ले आएंगे अपन तो 200 में से 100, सारी राजस्थान जीके को रट डालते हैं और अच्छा स्कोर करेंगे, तो ऐसा गलत है, ये नहीं हो सका। इस पेपर में जीके थोड़ी आ गई टफ और टेक्निकल यानी सिविल इंजीनियरिंग बहुत ईजी आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर की अपलोड करो करना है तो, अरे भाई ये क्या चल रहा था, आंसर की तो चल रही थी आंसर की ही थी ये। सर एसटी में हम पेपर टू में मेरे 150 नंबर आ रहे हैं। भाई बहुत अच्छा स्कोर है आपका, आप रेगुलरली मेंस की अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, इससे ऊपर क्या या जनरल की कट ऑफ 150 से ऊपर नहीं जाएगी, डेफिनेटली मेंस लिखवा के ले लीजिए आप। ओके कट ऑफ, अरे यार मैंने इतना तो डिस्कशन कर दिया कट ऑफ पे। ओके फ्रेंड्स थैंक्स सर, जनरल की वही यार बता दिया, 100 से 120 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 120, बाकी नॉर्मली 100 के आसपास रहेगी आपकी कट ऑफ। डरिए मत इस चीज़ से, कट ऑफ से आप रिगार्डिंग डरिएगा मत, 100 से लेकर 120 के आसपास नंबर रहेगी, अगर मैक्सिमम गई तो 150, क्योंकि आपका जीके का पेपर टफ था। ओके आज का जीके का पेपर पहले आरएएस लेवल का पेपर था, जो आरएएस की तैयारी कर रहे थे उनके भी मार्क्स इसमें 70-80 के आसपास ही बन रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए 145 एसटी क्या चीज़, अच्छा मार्क्स बन रहे हैं आपके, बहुत अच्छी बात है लोकेश मीना जी। ओके आज मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी तक, तो आई होप अभी और बढ़ चुके होंगे काफ़ी सारे। यार सब्सक्राइबर नहीं आए क्या बात है, सिर्फ वीडियो देख देख के चले गए आप सभी लोग, 76 हैं तो अभी मेरे तुरंत एंड टू एंड सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आने वाले एसएससी आईएएस और जो भी इंजीनियरिंग लेवल का एग्ज़ाम होगा, सिविल इंजीनियरिंग का हो या इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए हमारे इस चैनल पर हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, और अलविदा लेते हैं आप सभी दोस्तों के लिए, इसी तरीके का मैं आपके लिए और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड। ओके।